तो आई एम सार्थक एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। सो वी हैव विथ अस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंटर एंड टीचर इन द फील्ड्स ऑफ जेईई एंड नीट एंड कपिल बिरथरे सर। हेलो सर। हेलो। आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट कि सर वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ रैंकर्स पॉइंट एंड इज प्रेजेंटली द सेंटर हेड एट एल एन इंदौर। एंड सर 20 साल से ज्यादा से जेई और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और मेरी समझ वो हमारी एज से भी ज्यादा है। तो सर के आज इतने बड़े एक्सपीरियंस से हम कुछ थोड़ा बहुत कतरा लेने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सर ने AIR 2 इन JEE एडवांस एंड AIR 2 इन नीट दोनों को मिलाकर कई हजारों स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। एंड ही हिमसेल्फ इज एन एक्सपर्ट इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस सर। यस तो सर क्विकली स्टार्टिंग, मतलब मैं जानना चाहूंगा कि हाउ दिस हॉल द ग्रेट जर्नी बिगिन, कि कब आपने डिसाइड करा कि आप जेई एंड नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे एंड उनको मेंटर करेंगे एंड दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ मेंटरिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बिगिन। एक्चुअली मतलब जैसे जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तो आई टू वाज एस्पायरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट अनफॉर्चुनेटली और बेटर टू से फॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट थ्रू। तो ठीक है, मतलब इच्छा शुरुआत में तो डॉक्टर बनने की थी, बट नहीं बन पाया शुरू में। मतलब खराब भी लगा था, बट उसके बाद शायद हमेशा एक ही चीज मेरे मन में थी कि टीचर बनना है अच्छे से। तो देन आई डिड माई ग्रेजुएशन विथ केमिस्ट्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विथ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आई लाइक वेरी मच। तो उसके बाद फिर वो ही था कि भाई ठीक है, जो खुद न बन सके वो दूसरों को बनने के लिए गाइड कर सकते हैं कम से कम। तो उसमें वैसा था कि शुरुआत में एक डाउट था कि शायद हैप्पीनेस मिलेगी, बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग तो आई एंजॉयड इट अ लॉट। तो पढ़ाना वैसे भी अच्छा लगता था। स्पेसिफिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स को पढ़ाऊंगा ये नहीं सोचा था, बट वंस आई स्टार्टेड टीचिंग तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट अ लॉट। क्योंकि इसमें मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि बच्चे अपने सपने लेकर तो आते ही हैं, बट पूरी जर्नी में काफी सारे ऐसे बच्चे भी पढ़ाए जिनका फैमिली स्टैंडर्ड सिर्फ उनकी इंजीनियर या डॉक्टर बनने से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया। तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला कि हम मतलब नॉट मतलब वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टूवर्ड सोसाइटी, तो वहां से फिर इस जर्नी में काफी ज्यादा मजा आने लगा। अब ऐसा था कि पढ़ाना अच्छा लगता था, बट स्पेसिफिकली आईआईटी मेडिकल एस्पायरेंट्स को पढ़ाने में तब अच्छा लगने लगा जब काफी सारे बच्चों की और उनके परिवारों की जिंदगियां बदलती देखी। अच्छा सर, ग्रेट सर, मतलब काफी अच्छा मोटिवेशन है। एंड मतलब हमारी तो ब्लेसिंग ही है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं। सो वी आर ऑल ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस सर। हाँ सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जेई और नीट की प्रिपरेशन किस तरह अलग है? जैसे अगर मैथ्स और बायोलॉजी वाले पार्ट को हटा दें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब इसमें तो कोर्स लगभग लगभग जेई और नीट में सेम ही रहता है। एंड मेनली टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो क्या अगर अपन नीट का केमिस्ट्री देखें एंड जेई का केमिस्ट्री देखें तो उनमें क्या अंतर रहते हैं? एंड स्पेशली इन जेई ऑल्सो बच्चों को एक मिथ रहता है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस तो जेई मेन्स की प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट आई थिंक इट इज रॉन्ग इन अ वे, मतलब दीज आर टू डिफरेंट एग्जामिनेशन। सो सर वॉट आर योर व्यूज ऑन दिस, और मतलब क्या गलती कर देते हैं बच्चे इसमें? इसमें एक्चुअली थोड़ा सा वैसा होता है नॉर्मली कि जैसे यदि ट्रेंड को अपन फॉलो करें तो उस हिसाब से कौन सी वाली चीज होती है कि जैसे नीट का जो एग्जाम होता है तो इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा डायरेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड या हम बोलें कि आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनका नंबर रिलेटिवली कम होता है। तो यहाँ पर वैसा होता है कि आपकी एक्यूरेसी स्पेशली पिछले मतलब 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स यदि देखें या स्पेसिफिकली 2020 का हम देखें तो नीट का पेपर जो था दैट वाज ऑलमोस्ट 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चंस जो थे वो काफी ज्यादा डायरेक्ट थे, सोचने वाले क्वेश्चंस का नंबर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था। तो नीट की प्रिपरेशन मतलब एकदम वैसा है कि जनरलाइजेशन बनाना इज ऑलवेज डिफिकल्ट बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं दे आर अनप्रिडिक्टेबल ऑलवेज। ठीक है, तो यदि आप किसी एक ही फ्रेम में बंद कर अपनी तैयारी करते हो और आप यदि अच्छी रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हो
तो दैट माइट बी डेंजरस फॉर यू. तो वैसा होता है कि नॉर्मली नीट का जो क्वेश्चन पेपर होता है मोर और लेस डायरेक्ट होता है. द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे भी तो थोड़े से कम आते हैं. वहीं जेई मेन्स और नीट का सिलेबस जो होता है वो तो पूरा 100% सेम ही होता है, ठीक है. बट फिर भी जेई मेन्स जो होती है ये जेई एडवांस्ड से एक डिफरेंट एग्जाम है. और इसमें जैसा कि तुमने क्वेश्चन में ही बोला है कि माइंडसेट थोड़ा सा अलग अलग रखना पड़ता है. क्वेश्चंस तो हालांकि काफी हद तक सेम होते हैं. आईटी एडवांस्ड में क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ जाता है. यदि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे थोड़े से आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा होते हैं, ठीक है. तो आईटी एडवांस्ड यदि हम देखें तो उसमें डेफिनेटली कौन सी वाली चीज होगी कि हमको थोड़ा सा प्रिपरेशन जो होता है उसका मोड हल्का सा चेंज करना पड़ता है. यहाँ पर हमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा करने और जेई मेन्स का जो पैटर्न होता है ये मतलब इसमें भी थोड़ा नीट की कंपैरिजन में तो डिफरेंट आता है ये लेवल. 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड भी नहीं होता, एनसीईआरटी ओरिएंटेड भी होता है बट स्टिल इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर अ बिट एप्लीकेटिव, ठीक है. और वैसा होता है कि इसमें सिलेबस को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना पड़ता है कि यहाँ पे आप किसी भी कॉर्नर को अनटच्ड नहीं छोड़ सकते जेई मेन्स में. क्योंकि जैसे अभी जो पिछले कुछ सालों में इसका जेई मेन्स का पैटर्न चेंज हुआ है कि पूरा का पूरा ऑनलाइन पैटर्न हो गया है, तो उसमें एग्जाम सारे बच्चों की अलग अलग दिन होती है. तो अब किस बच्चे के हिस्से में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये थोड़ा सा और ज्यादा अनसर्टन हो जाता है. तो जेई मेन्स को यदि हम फोकस कर रहे हैं तो प्रिपरेशन हमारी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब हर कुछ चीज पढ़ी हुई होनी चाहिए क्योंकि हमारे पेपर में क्या आने वाला है ये हमको नहीं पता होता है, ठीक है. जबकि आईआईटी एडवांस्ड में थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच करें हम और कुछ ही क्वेश्चंस को हम जैसे प्रैक्टिस कर लें ठीक से, तो उसमें वैसा हो जाता है कि यदि आपने कॉन्सेप्चुअली चीजों को कवर करके रखा हुआ है तो फिर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आपका एप्लीकेशन पार्ट यदि स्ट्रांग है तो फिर वो एग्जाम क्रैक करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. तो इन अ वे तीनों एग्जाम्स थोड़े अलग अलग हैं. इसमें नीट में आपको एक्यूरेसी फोकस बहुत होना पड़ेगा. अभी पिछले कुछ टाइम का ट्रेंड यदि हम देखें तो जी मेंस में ये होता है कि इट इज 50% 60% स्कोरिंग यदि आपने कर ली, विच इज नॉट हार्ड टू स्कोर. आपने थोड़ी सी ढंग से सिस्टमेटिक मेहनत की तो काफी आसानी से 50% प्लस स्कोर लाया जा सकता है. तो जिसमें वैसा हो जाएगा कि आपको अच्छे एनआईटीज मिल जाते हैं, ठीक है. और जेई एडवांस यदि हम देखें तो अभी 2017 का क्वेश्चन पेपर यदि छोड़ दें हम तो उसके अलावा बाकी सारे सालों में पेपर जो हुआ है उसका लेवल अच्छा आया है. तो उस वजह से कट ऑफ जो होता है दैट डज नॉट गो वेरी हाई. तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए कि आप कौन सी रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से आपको जो भी मेंटर कर रहा है उससे आप गाइडेंस लेके अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके का बना सकते हैं. जी जी सर. और सर जेई स्पेशली जेई में स्टूडेंट्स से गलती मेरे हिसाब से ये करते हैं कि दे मतलब 11th की स्टार्टिंग से ही या उसके पहले से ही वो एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मैं तो सिर्फ जेई मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करूंगा एंड मैं एडवांस ओरिएंटेड देखूंगा ही नहीं. और मतलब मुझे लगता है कि ये बिना अभी तक आप अपनी एग्जाम को जाने कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है, क्योंकि जेई एडवांस में रैंक लाना मतलब अराउंड 44% पे वी गेट 2000 रैंक एंड अराउंड 50% पे वी गेट अराउंड 1000 रैंक. सो सर क्या ये परसेप्शन शुरुआत से बना लेना सही होता है एंड मतलब बाद में बनाए बनाया जाए इसे या पहले बना ले, मतलब क्या सीन है सर इस चीज में? इसमें एक्चुअली वो होता है कि सिलेबस तो जैसे मोर और लेस सेम होता है. इट इज 85-90% सिलेबस जो होता है जेई मेंस और एडवांस्ड का वो सेम ही रहता है, ठीक है. तो आपको एस्पायर तो जेई एडवांस्ड के लिए ही करना चाहिए. और उसमें मतलब ऐसा हो सकता है कि यदि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है उसका जो मोड होता है प्रिपरेशन का, तो वैसा होता है इफ यू आर फाइंडिंग इट अनकंफर्टेबल फॉर सो लॉन्ग तो उसके बाद फिर आप थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हो जेई मेंस मेंस के लिए. बट जैसे जेई मेंस में भी अभी पिछले 2 सालों में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड मतलब उन्होंने ठीक ठाक इम्प्रूव किया है, ठीक है. तो इसलिए इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है. जैसे जो अपन 10-15% सिलेबस का डिफरेंस है उसको यदि अपन हटा दें कि भाई कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एडवांस में आने ही नहीं वाले हैं तो उस पार्ट को यदि अपन हटा दें तो बाकी इन दोनों की प्रिपरेशन में ऐसे बहुत ज्यादा अंतर अब नहीं बचा है, ठीक है. तो इसलिए आपको प्रिपरेशन तो मतलब मेरे हिसाब से एडवांस्ड के लिए करना चाहिए.
और जेईई मेन्स के लिए जब आप फोकस करें तो आपको वो जो 10-15% सिलेबस एक्स्ट्रा वाला है उसको जेईई मेन्स के हिसाब से देख लेना चाहिए। तो दैट शुड मतलब दैट कैन बी एन आइडियल स्ट्रेटेजी कि आप इसको यदि बना के चलोगे तो ठीक होगा। बट वैसे ही कि जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि आईआईटी एडवांस्ड में डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा करने पड़ते हैं। तो यदि आप उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अनकंफर्टेबल हैं तीनों सब्जेक्ट्स में और वो क्वेश्चंस आपको यदि लगातार परेशान कर रहे हैं तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस टाइप के क्वेश्चंस यदि आपसे नहीं बन रहे हैं तो तब आप अपना फोकस पूरी तरह से जेईई मेन्स पे कर सकते हैं कि जहां पर आपने सिर्फ एनसीईआरटी भी तीनों सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा अच्छे से कर ली वो तो थोड़ा एप्लीकेशन सीख लिया तो भी आप कंफर्टेबली किसी एनआईटी को तो अचीव कर ही सकते हो। अच्छा सर, अच्छा हाँ सर। एंड सर मेरा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड एक थोड़ा सा अनटच टॉपिक से कि सर जैसे वी ऑल आर इन आर टीनेजर्स और एक यूजुअल सा डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनी गर्ल और अ बॉय होना नॉर्मल सा है। एंड मतलब जेई में तो गर्ल्स टू बॉय रेशियो काफ़ी कम होता है बट स्पेशली नीट गर्ल्स टू बॉय रेशियो काफ़ी हाई होता है। एंड देन दिस ऑल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड रिलेशनशिप एंड अदर स्टफ स्टार्ट्स और इनके कारण कहीं ना कहीं सर जो प्रिपरेशन रहती है जो पढ़ाई रहती है उस पर फर्क पड़ता ही है। तो सर इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए कि ये चीज़ें हमारे मेन रिजल्ट को हमारे मेन एम को अफेक्ट ना करें। इसमें एक्चुअली मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि जैसे इस एज में जब बच्चे आते हैं तो दो दे आर इन टीन एज, बट वैसा होता है कि ये टीन एज थोड़ी सी लेट वाली टीन एज होती है तो इस समय पे हमको थोड़ी सी मैच्योरिटी रखनी ही होती है। मतलब बच्चों को स्पेशली ये मैच्योरिटी रखनी चाहिए। और वैसा होता है कि भाई ये जो भी रिलेशनशिप्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके लिए तो हमारा हमारे पास मतलब टाइम पड़ा हुआ है। जैसे जब हम 11th और 12th में हैं तो दिस इज नॉट द ओनली टाइम कि जहाँ पे यू हैव टू सर्च फॉर द रिलेशनशिप्स एंड ऑल। इसके बाद भी काफी सारा समय बचा होगा ये चीजें करने के लिए। लेकिन जब आप 11th और 12th में तो आप 11th और 12th में 2 साल ले रहने वाले हो, ठीक है। मतलब यदि आप फेल वेल हो जाओ तो बात अलग है कि आपको 3 साल 4 साल लग जाएंगे। बट फिर ऐसे बच्चे मेन मतलब जेई के लिए और नीट के लिए एस्पायर भी नहीं करते हैं जो इस टाइप के होते हैं। जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं तो उनको ये वाली चीज दिमाग में क्लियर रखनी चाहिए कि हमारे जो भी मतलब ठीक है वो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो वो नेचुरल अर्ज होती है। बट वैसा होता है कि वी नीड टू कंट्रोल इन अ डिफरेंट वे। हमको वहां पर अपने आप को पैसिफाई करते आना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। तो जब आप 11th और 12th में हैं तो वहां पर सही समय है कि आप पढ़ लो और एक बार यू आर इन टू अ गुड कॉलेज यू आर ड्रीम ड्रीम कॉलेज वंस यू आर देयर इन टू योर ड्रीम कॉलेज तो उसके बाद तो फिर आपके पास टाइम ही करने के लिए क्योंकि वहां पे आपको फिर एक अच्छे कॉलेज में एंट्री वाला जो प्रेशर होता है वो हट जाता है। वहां आगे की आपकी जो पढ़ाई होने वाली है वो आगे की पढ़ाई डेफिनेटली कौन सी रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी स्कूल लाइक स्टडीज कि भाई आपको इतना कोर्स ये करना है पेपर आ जाएगा आपको चीजें याद करके जानी वो आपको लिख के आना है आपका काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते कि आप अपने रिलेशनशिप्स भी चला लो और उसके साथ आप सोच लो कि आप पढ़ भी लोगे तो दोनों चीजें साथ में कर पाना इज डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद भी यदि आप कहीं इन्वॉल्व हो जाओ इस टाइप की चीजों में बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नेचुरल, ठीक है, तो फिर वैसा है कि उसको फिर ढंग से आपको हैंडल करते आना चाहिए। तो देन यू शुड गो टू सम काउंसलर, ठीक है, क्योंकि हमने अब ये हो तो गया और हमसे चीजें छूट भी नहीं रही हैं। तो वैसा होता है कि इस एज में बच्चे थोड़ा छोटे होते हैं तो यदि वो अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल्सो ऑफ द सेम एज तो वो उनको कोई बहुत अच्छी एडवाइस नहीं दे पाएंगे कोई मैच्योर एडवाइस नहीं दे पाएंगे। तो इस समय पर यदि वैसा है कि आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो यदि आपकी इस टाइप की चीजों को हैंडल कर पाने में कैपेबल हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रोफेशनल काउंसलर्स की भी हेल्प डेफिनेटली लेनी चाहिए क्योंकि ये वाला जो टाइम है जो मैंने बोला कि रिलेशनशिप्स के लिए 19-20 साल के बाद की भी आगे बहुत लंबी जिंदगी होती है 8-10 साल की ना 30-32-35 साल तक आप रिलेशनशिप्स में जा सकते हो। लेकिन 11th और 12th में आप जब 16 और 17 साल के हो तभी रह सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। इसको समराइज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि टाइमिंग इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टू डू व्हाट दैट शुड रिमेन क्लियर टू यू, ठीक है। हर चीज का एक सही समय होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स के लिए 11th और 12th का टाइम इज नॉट द राइट टाइम
आपका 11th और 12th के बाद का जो टाइम होता है, दैट एग्जैक्टली इज द अप्रोप्रिएट टाइम, जब आपके पास बहुत सारा खाली समय होता है और आप मतलब थोड़े बड़े भी हो जाते हो, तो आप चीजों को मतलब इमोशनल और अपनी स्टडीज और सारी चीजों का बैलेंस भी एक बड़ी एज में आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर पाते हो बजाय इस एज के। तो पहली चीज तो ये कि आपको अवॉइड करना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि यदि आप अवॉइड ना कर सको देन टेक हेल्प आइदर योर मेंटर और प्रोफेशनल। जी सर, मतलब हमें हमारी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है एंड उन्हें मालूम करके देन आगे चीजों पे काम करना है, बिकॉज ये वो समय नहीं है जब हम इन चीजों पे ध्यान दें। यस जी जी सर। सर माय अनदर क्वेश्चन टू यू इज दैट कि जैसे हर कोचिंग में थोड़े समय में मतलब मॉक टेस्ट के बेसिस पे, मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे बच्चों की बैचेस में शफलिंग होती है, एंड देन बच्चों के माइंड में एक जनरल सा परसेप्शन रहता है कि हमें आगे वाली बैच में प्रमोट होना है, देन वो उस टेस्ट और उस चीज को फोकस करके पढ़ाई करने लगते हैं। तो कुछ बच्चे तो प्रमोट हो जाते हैं, बट कुछ जो नहीं हो पाते देन उनके मन में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि अब हम पे कम ध्यान दिया जाएगा एंड हमें कम मटेरियल दिया जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ, जिसके कारण वो स्ट्रेस बढ़ता है सिंपली, और उनकी पढ़ाई और आगे जाके रिजल्ट परफेक्ट आता है। तो सर ये जो बैच वाली पूरा सीन है, ये किस हद तक अपनी फाइनल रैंक को अफेक्ट करती है? ये एज सच तो मतलब वैसा अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज देर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे बच्चे जिन लोगों ने मतलब सो कॉल्ड पीछे की जो बैचेस होती हैं, जो रैंक के हिसाब से बनती हैं, वहां रहकर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। तो वैसा होता है कि इट इज टोटली योर माइंड सेट रादर देन योर बैच, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि टॉप बैच में रहकर बच्चों के रैंक बहुत पीछे आई है, और पीछे पीछे वाली बैच में रहकर बच्चों के रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आई है, ठीक है। तो जैसे मतलब मैं अपने 2015 बैच में जब जनक अग्रवाल एक स्टूडेंट था हमारा, तो उसकी रैंक सेकंड आई थी, और वो सेकंड बैच का बच्चा था, फर्स्ट बैच का कोई भी बच्चा उसके आसपास भी नहीं रह पाया, ठीक है। फिर जैसे हम श्रेयस अग्रवाल की बात करें, जो हमारा मतलब 2019 में एम्स में दोनों जगह निकला था, तो वो जो था वो भी कोहिनूर, मतलब जो टैलेंट की टॉप बैच होती कोहिनूर उसमें नहीं था, बट स्टिल उसकी एम्स में 33 रैंक आई। तो मतलब ऐसा है कि जब भी कोई बच्चा जिसमें खुद में डिटर्मिनेशन है, वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो तब तक कोई सी भी बैच जो होती है वो बिल्कुल भी बच्चे के रैंक को कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। बट वैसा होता है कि आप यदि उसी टाइप की चीजों से मोटिवेटेड होते हो, तो एक्चुअली ट्रू मोटिवेशन नहीं है, मतलब फिर आपका एम जो है वो है कि भाई हमको नीट या एम्स में जाने के बजाय, या हमको आईआईटी में जाने के बजाय, हमारा एम क्या हो जाता है कि टॉप बैच में पहुंचना इज द एम, ठीक है। तो यदि आपका एस्पिरेशन ही गलत होगा, तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन अचीव करना इज रियली डिफिकल्ट, ठीक है। तो चेंज योर एस्पिरेशन शुड नॉट बी टू रीच इन द टॉप बैच ऑफ योर कोचिंग, ठीक है। योर एस्पिरेशन शुड बी टू रीच इन द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, इट इज वेदर मेडिकल और इट इज व्हाट दैट आईआईटी और इट इज सम अदर एनआईटी कॉलेज, ठीक है। तो अपना एस्पिरेशन चेंज कर लो, तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो मोस्टली सारे ऑनेस्टली ही पढ़ा रहे होते हैं, स्टडी मटेरियल जो होता है आपको कोचिंग नहीं दे, तो आप अपने फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो, एवरीथिंग हैज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो वैसा है कि इस टाइप की बातों में उलझना, मतलब वैसा होता है कि यू मतलब आपको अपना एम क्लियर नहीं है, और यदि आपका एम ही अपने आपको क्लियर नहीं है, तो आप उस एम के लिए ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अपने को अपने एस्पिरेशंस चेंज करने, इस बात से मतलब दिस शुड बी द मोटिवेशन कि मैं किसी भी जगह रहकर रिजल्ट अच्छा लाऊंगा, दैट ओनली शुड बी द मोटिवेशन। जी जी सर। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि इट्स द माइंडसेट दैट मैटर्स, नॉट द बैच। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मी माई सेल्फ, मैंने एक 80 बच्चों के बैच में पढ़ा है, देन मैंने एक 50 बच्चों के बैच में पढ़ा है, एंड देन मैंने 30 बच्चों के बैच में पढ़ा है, एंड नाउ हियर वेयर आई स्टैंड। तो मतलब अभी आईआईटी क्लियर करी। मतलब बैच तो कहीं भी किसी भी तरह आपके रैंक में मैटर नहीं करती, माइंडसेट है जो मैटर करता है। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि एक इस पूरी जर्नी में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट आर आर प्रायोरिटीज। मतलब काफी सारे बच्चों को समझ ही आ गया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स। तो सर बोर्ड जैसा टाइम है जो जस्ट आप 1 मंथ बचा होता है आपकी फाइनल एग्जाम, जिसके लिए आप 2 से या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड वी नीड टू अटेम्प्ट फॉर इट, एंड बोर्ड उसके 1 महीने पहले रहती है। तो काफी बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है कि उस
उसको कैसे मैनेज करें। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दे लेते हैं, देन उनका जेईई नीट का रिजल्ट बिगड़ जाता है, या फिर जेईई नीट पे ध्यान देने के कारण बोर्ड्स का रिजल्ट बिगड़ जाता है, क्योंकि बोर्ड्स में भी अराउंड 75% मिनिमम लाना जरूरी होता है टू बी क्वालिफाइड फॉर नीट एंड मेन्स। तो सर इस चीज को कैसे मैनेज करें कि बोर्ड्स भी साथ में चले एंड जेईई और नीट की प्रिपरेशन भी। इसमें एक्चुअली ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा ध्यान में रखने वाली है कि मतलब जब आपकी एग्जाम्स वगैरह आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो मतलब वैसा हो जाता है कि एक्सक्यूजेस रहते हैं काफी सारे कि हमने तो बोर्ड्स की तैयारी की इसलिए हमारा रिजल्ट बिगड़ गया, या हमने नीट और आईआईटी की तैयारी की थी इसलिए हमारा बोर्ड्स का रिजल्ट बिगड़ गया, है ना। लेकिन यदि आप डेटा एनालाइज करोगे तो ऐसा मतलब मुश्किल से 0.01% है, इससे भी कम परसेंटेज होगा बच्चों का कि भाई जिन्होंने नीट क्लियर की और उनका बोर्ड्स बिगड़ गया हो, या जिन्होंने आईआईटी या एनआईटी क्रैक किया हो उनका बोर्ड्स बिगड़ गया होगा, है ना। बिकॉज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग इज व्हाट कि जब इन सारी एग्जाम्स का सिलेबस सेम है तो आपको यदि कॉन्सेप्चुअली चीजें आती तो आप कोई सा भी एग्जाम बिगाड़ कैसे सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है जब बच्चे या पेरेंट्स इस टाइप की बात करते हैं, तो आई रियली कंसिडर इट एज द सिलिएस्ट थिंग टू कंसिडर कि हम यदि बोर्ड्स की तैयारी करेंगे तो हमारा ये बिगड़ जाएगा, या हम उसकी तैयारी करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। एक बार आप पूरा स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करो तो यू विल बी फाइंडिंग इट कि आपका बोर्ड्स बिगड़ ही नहीं सकते यदि आपकी आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन सॉलिड है तो, क्योंकि जब सिलेबस सेम है तो आप बिगाड़ कैसे सकते हो, मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो वैसा होता है कि मतलब सक्सेसफुल बच्चों का परसेंटेज 1 या 2 होता है ओवरऑल, यदि हम पूरी देखेंगे भाई कितने एस्पायरेंट्स ने अपियर किया था, वो कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, तो 1-2-3% होता है ओवरऑल सिलेक्शन, ठीक है। अब यदि आप इस 2-3% में देखोगे तो डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें से मतलब बोर्ड में भी बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया और अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी निकले, ठीक है। लेकिन आप जब दूसरा डेटा एनालाइज करते हो तो दूसरा डेटा एनालाइज करते हो तो वो बच्चे कौन से, दे आर अनसक्सेसफुल, ठीक है। अनसक्सेसफुल इन व्हाट टर्म्स, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं है क्योंकि जिंदगी तो बहुत लंबी और उनको बहुत ज्यादा चीजें अच्छी करनी है आगे जाके। तो ये तो एक पड़ाव होता है जहां पे यदि आप सो कॉल्ड अनसक्सेसफुल हो गए अपने इस अटेम्प्ट में। लेकिन कौन सी वाली चीज होती है कि इसमें ऐसा डेफिनेटली नहीं होता कि आपने बोर्ड्स अच्छा किया इसलिए आपका कॉम्पिटेटिव बिगड़ा, या आपने कॉम्पिटेटिव में अच्छा किया इसलिए आपका बोर्ड बिगड़ा। ऐसे ऐसे वाले जो कॉन्ट्रडिक्शन है इस टाइप के केसेस मैंने बोला कि मतलब मुश्किल से 0.01% मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा डेफिनेटली नहीं होने वाला है कभी भी, ठीक है। यदि आप ट्रू सेंस में उन बच्चों से पूछोगे जिन्होंने ऐसा किया है तो मतलब दिल पे हाथ रखवा के अपन बात करते हैं ना जब, तो उनको अपने आप कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि उन्होंने मक्कारी की थी किसी एक जगह पर, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या उनका बोर्ड में अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाया ना। अदरवाइज मतलब ये चीज आसानी से हैंडल की जा सकती है। बस यही होता है कि सिलेबस सेम है तो आपको सब बोलते हैं कि बोर्ड में लिखने का तरीका अलग होता है, तो मतलब जैसे यदि मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दूंगा तो मैं खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाऊंगा फिर से कि दैट ऑल्सो इज वियर्ड टू से कि आपको लिखने का तरीका तो बचपन से आता है ना आपको, आप 12th में आके पहली बार थोड़ी सीख रहे होते हो कोई कि आपका बोर्ड का रिजल्ट बिगड़े, ठीक है ना। तो मतलब लिखने के तरीके पे भी कुछ ध्यान नहीं देना, आपने 10th में भी अच्छा लिखा था, 9th में भी अच्छा लिखा है, तो आप 11th 12th में भी अच्छे ही लिखोगे ना, दैट इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो मतलब बेसिकली सर इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू जस्टिफाई योर फेलियर, मतलब कुछ यस कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस सर। डेफिनेटली तो डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ेगा। जी, सर अभी तक ये पूरा सेशन अपना थोड़ा सीरियस टाइप का रहा है, तो थोड़ा सा अपने माहौल को कूल डाउन करने के लिए एक जस्ट एन रैपिड फायर, इट वुड बी अ फास्ट राउंड, आई विल बी गिविंग यू लाइक टू ऑप्शंस, देन आपको चूज करना है उसमें से। तो कैन ठीक वी है, स्टार्ट? यस हाँ डेफिनेटली। हाँ तो सर पहला ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक अरिहंत और सिंगेज, अरिहंत आईएल फिनार और एलजी वेड। आयल फिनार अच्छा सर। एंड सर एक टॉप वन, जेई और नीट। बोथ। वाह वाह, इस आंसर सर, ग्रेट ग्रेट। हाँ सर, तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि सर आपने AIR 2 से लेके ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो सर ऐसी क्या क्वालिटीज और ऐसे क्या ट्रेट्स रहते हैं उन बच्चों में जिनका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर जो काफी अच्छी रैंक से इस एग्जाम को क्लियर करते हैं और जो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं या फिर इसको क्रैक नहीं कर पाते। सर मतलब आप ऐसी 5 क्वालिटीज जो हमें बता सकें जो
जो कि किसी भी एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. इसमें सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज वो होता है क्लैरिटी टुवर्ड्स योर गोल. ठीक है, तो यदि आपके माइंड में क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हो तो फिर पाथ अपने आप काफी ज्यादा आसान हो जाता है. ठीक है, दूसरी चीज जो होती है इसमें वो कौन सी रहेगी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द राइट मेंटर. बिकॉज सो मेनी टीचर्स दे टीच यू एंड एवरीवन हैज अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस. ठीक है, पर वैसा होता है कि मतलब इफ यू फॉलो एडवाइस ऑफ सो मेनी पीपल देन यू विल बी डेवलपिंग अ कंफ्यूज अप्रोच. ठीक है, और वैसा होता है कि हर किसी के समझाने का तरीका कहीं ना कहीं डिफरेंट होता ही है. ठीक है, तो रादर देन हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ मेंटर्स और मोर देन वन मेंटर, यू शुड गो फॉर वन मेंटर ओनली. और उसके ऊपर पूरा विश्वास करो, आपको ना उसको वो एक्सपीरियंस है कि वो मेंटर आपको डेफिनेटली अपने तरीके से सही डायरेक्शन में ले ही जाएगा. लेकिन यदि आप दो तीन चार लोगों की बात मानोगे या दो तीन चार लोगों को फॉलो करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा. तो गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए, देन आपका मेंटर सिर्फ एक ही होना चाहिए. अगली चीज जो मैं बोलूंगा दैट इज सिंसियरिटी. ठीक है, कि आप सिंसियर हो तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद अगली चीज जो होती है वो ये कि मतलब ये थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड है बेसिकली. सिंसियरिटी कोई दूसरे वर्ड्स में हम बोलेंगे कि आपका डे टू डे वर्क जो होता है दैट शुड रिमेन अपडेटेड. ठीक है, आपका बैकलॉग जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं. ठीक है, तो वैसा होता है कि यू शुड हैव अ डेली प्लानर और जो आपका अचीव हो जाना चाहिए तो उससे काफी काम हो जाता है. ठीक है, तो बस सिंसेरिटी है. उसके बाद एक डेली रूटीन अपना होना चाहिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. ठीक है, और वैसा है कि सिंसेरिटी और फिर से यदि मैं हार्डवर्क भी बोलूंगा तो बात वही हो जाएगी. ठीक है, तो इट इज सिंसेरिटी और डेली रूटीन, अ फाइन स्ट्रेटेजी एंड योर हार्डवर्क. ठीक है, और वैसा होता है कि हार्डवर्क और सारी सारी सब चीजें आपने कर ली तो एग्जाम आप कोई सी भी क्लियर कर सकते हो. रैंक जो है उसमें फिर दूसरी चीजें भी कहीं ना कहीं मैटर कर जाती हैं. ठीक है, तो वैसा है कि एक क्या बोलते हैं ना, एक स्टेप वाइज तरीके से आपको बढ़ना चाहिए. तो हो सकता है आपने मन में 1000 रैंक लेके शुरुआत की हो और आपके रैंक टॉप 10 भी आ जाए यदि आप इसके लिए अप्रोच को फॉलो करो तो ये डेफिनेटली हो सकता है. ठीक है, और अच्छी बात ये है कि यदि आप रैंक के लिए एस्पायर ही ना करो, ठीक है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है सिंसियरली रोज का काम रोज करते जाओ, रैंक सोचो ही मत कि हमारी कौन आएगी. ठीक है, डेफिनेटली फिर हो जाएगा आपका रिजल्ट तब है रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हो. अच्छा सर जी. और सर आपने जो ये हमें 5 क्वालिटीज बताई, आप इनमें आईक्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे? मतलब बच्चों को एक मिथ होता है कि आईक्यू ज्यादा है या कम है, मेरा आईक्यू कम है तो मैं जेई या नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता. तो मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सही है या गलत? इसमें मतलब आईक्यू से डेफिनेटली रैंक पे असर पड़ सकता है ना. जैसे मैंने चीज बोली थी कि भाई कोई भी बच्चा डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए ना कभी भी, तो मैं ऐसा आंसर कभी देने ही नहीं चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि किसी बच्चे को किसी उसके टीचर ने, बचपन के टीचर ने या उसके पेरेंट्स ने सिखा रखा हो कि तेरा आईक्यू कमजोर है, तो वो बच्चा बेचारा आईआईटी यदि क्लियर कर भी सकता हो अपनी मेहनत के दम पे तो बच्चा फिर कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेता है ये सोच के कि यार कि मेरे पेरेंट्स ने तो बोल रखा है मेरा आईक्यू कमजोर है तो मैं आईटी कैसे क्लियर करूंगा ना. तो मैं कभी भी किसी भी बच्चे के सपनों को खत्म नहीं करना चाहता. ठीक है, तो आईक्यू का डेफिनेटली आईटी एडवांस में रैंक में रोल होता है. ठीक है, लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप सिंसियर हो और आपको चीजें यदि बेसिक से समझ में आ जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली आपको समझ में नहीं आ रहा हूं लेकिन यदि आपको बेसिक चीजें भी समझ में आ सकती हो तो डेफिनेटली आईआईटी जाने के हकदार आप होते हो अपने हार्ड वर्क के दम पे. ठीक है, तो आईक्यू का रोल रैंक में है, आईआईटी पहुंचने में नहीं आईक्यू का रोल. ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको अपनी 5 क्वालिटीज में इंक्लूड नहीं किया है. जी, सर, सिंपली अमेजिंग सर. और मतलब इट इज हार्ड वर्क दैट फाइनली मैटर्स, और आईक्यू तो एक टेम्पररी चीज है, इसको आप कहीं ना कहीं पिछाड़ सकते ही हो. हाँ, मतलब आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है तो बेसिक आईक्यू डेवलप हो जाता है जो आईटी क्लियर करने के लिए जरूरी है, तो बहुत है उतना. हाँ सर, मतलब वो कोट भी है ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, सो इट इज लाइक दैट वन. यस सर, सिंपली अमेजिंग सर. एंड यहाँ पे मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि सर ने 5 क्वालिटीज बहुत अच्छी बताई, बट द सेकेंड वन की सिलेक्टिंग अ मेंटर फॉर यू,
मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अपने लिए एक मेंटर ढूंढ नहीं पाते हैं, एंड देन वो 10 टीचर से बात करते हैं एंड 10 अलग अलग टीचर उन्हें गाइडेंस देती है, और फिर कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन डैमेज होती है. तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मेंटर, एक सही मेंटर जिसकी बातें हमें समझ आती हो, जिसकी बातें हम अप्लाई कर सकते हो, वो ढूंढना काफी जरूरी है. हाँ जी सर. सर तो बातें तो काफी सारी करनी है आपसे, बट वो ये कि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है. सो थैंक यू सर, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला आपके इतने बिजी शेड्यूल में, इतनी क्लासेस के बीच में. सो वी आर वेरी ऑनर्ड सर. एंड सर एक लास्ट मैसेज, जो प्रेजेंट सिचुएशन जो कि COVID-19 की है, जिसमें बच्चे घर पे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, उनको आप देना चाहोगे कि वो किस तरह अपना मोटिवेशन टुवर्ड्स देयर प्रिपरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं सर घर पे पढ़ाई होने से, दिन भर घर पे रहने से एक जो लेजीनेस और डिजीनेस वाली फीलिंग है वो कहीं ना कहीं बच्चों में आ रही है, तो कैसे अपना मोटिवेशन बना रखें टुवर्ड्स द बिग एग्जामिनेशन. तो सर बस एक वो चीज. सो वही बेसिकली तो वही कि सेल्फ सिंसेरिटी, जो मैंने पहले भी बोला था कि सेल्फ डिसिप्लिन एज ऑलवेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, बट वैसा है कि इस टाइप की सिचुएशन जो है लाइफ में सभी पहली पहली बारी देख रहे हैं, जिंदा लोग हैं अभी, तो वैसा है कि इट इज एडप्टेशन। तो जो सबसे अच्छे से अडाप्ट कर पाएगा इन चीजों को वही आगे निकलेगा। बट वैसा है कि अपना मेंटल स्टेटस आपको ठीक रखना है, तो वैसा है कि वी बीइंग द सोशल क्रिएचर्स, तो वैसा है कि अभी हम सोसाइटी से काफी ज्यादा दूर हैं, तो बच्चों को कुछ ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे लाइक कि जैसे जब अपना टेस्ट वगैरह हो या जब भी आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिल सकता है, तो उस समय पर आप जैसे जूम पे थोड़ी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर लो, या एक लिमिटेड सोशल सर्कल में उसी दिन आप जाके थोड़ा सा मिल लो, या कुछ नहीं होता हो तो आप डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी आउटिंग पे निकल जाओ, जहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट ना करो, बट स्टिल वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे बड़े बड़े लोगों को जो एक्सपीरियंस है, उनको भी दिक्कत आ रही है अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने की, तो बच्चों को तो डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आएगा कि उनकी मेंटल हेल्थ इज नॉट वेल। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ वेल जो रखी जा सकती है वो छोटे मोटे सोशल कॉन्टेक्ट से रखी जा सकती है। तो कुछ ऐसे लोग जो अपने सर्कल में हो, जो सारी फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वो जो न्यू नॉर्मल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, ऐसे दो चार लोगों से इंटरेक्शन रखा जा सकता है। और मतलब ऑन एंड ऑफ हर 15 डेज, 21 डेज में एक छोटी सी आउटिंग दैट कैन बी डन, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल बनी रहेगी। बाकी पढ़ाई में तो जो मैंने 5 क्वालिटीज बोली हैं वो फॉलो कर लेंगे तो सारा काम अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। जी जी सर. और यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, सर ने बोला है 15 से 21 डेज में एक आउटिंग, सो डोंट मेक इट अ एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम योर स्टडीज. हमें स्टडीज तो करनी ही है, बट हमें अपने अपने आप को रिचार्ज करने के लिए इसे एक एज अ बूस्ट यूज करना. तो सर दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सर, आपने आपका प्रीशियस टाइम हमें दिया. Yes, it's really nice because that really I want की मतलब what I think or what my experience that I should share with the students जितना ज़्यादा से ज़्यादा possible. So thankful to you that you called me on this interview. सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड लिमिट्स, ताकि आपको ये अमेजिंग वीडियोस और ऐसे मेंटर्स के इंटरव्यू जिनका एक्सपीरियंस ही हमारी एज से ज़्यादा है, उनके उनकी जर्नीज, उनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिले. एंड सर भी, सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल है कपिल बिरथरे के नाम से, एंड देयर ही टीचेस अस कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब इट देयर, एंड आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो स्टे ट्यून्ड और खूब पढ़ो यार, और मचा दो.